विधायक गजवे के नेतृत्व में बिजली वितरण कंपनी के अनुमंडल कार्यालय के सामने चक्का जाम आंदोलन किया गया। गढ़चिरौली जिले में राज्य सरकार को 9 जनवरी 2021 तक किसानों के कृषि पंपों पर 24 घंटे बिजली आपूर्ति करने को कहा गया। यहां बिजली वितरण कंपनी के अनुमंडल कार्यालय के सामने चक्का जाम आंदोलन शुरू हो गया है, जिससे संबंधित विभाग में हड़कंप मच गया है। गढ़चिरौली जिला एक गैर औद्योगिक जिला है और यहाँ के लोगों की आजीविका कृषि पर निर्भर होने के कारण अरमोरी विधानसभा क्षेत्र के विधायक कृष्णा गजबे ने हाल ही में जिले के किसानों को ओलिता के लिए 24 घंटे बिजली की सुचारू आपूर्ति की मांग की थी। ऊर्जा मंत्री नितिन राउत ने जल्द निर्णय लेने और सदन में समस्या का समाधान करने का वादा किया था। अरमोरी विधानसभा क्षेत्र के विधायक कृष्णा गजबे के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने बिजली वितरण के अनुमंडल कार्यालय पर धावा बोलकर चक्का जाम आंदोलन शुरू कर दिया है। नतीजन अरमोरी देसाईगंज राजमार्ग पर यातायात पूरी तरह से ठप हो गया है और प्रदर्शनकारियों ने मांगे पूरी होने तक जगह नहीं छोड़ने की कसम खाई है, जिससे यातायात की गंभीर समस्या पैदा हो गई है। खरीफ सीजन के दौरान बेमौसम बारिश, ओलावृष्टि और उसके बाद धान की फसल के संक्रमण के कारण यहाँ के किसान ग्रीष्मकालीन धान की फसल लगाने की तैयारी कर रहे हैं। प्रदर्शन होते ही उन्होंने शाखा अभियंता को 5 जनवरी को विधानसभा में की गई मांग की याद दिला दी और 9 जनवरी तक समाधान नहीं होने पर अनुमंडल कार्यालय के सामने हड़ताल करने की चेतावनी दी। चक्का जाम आंदोलन कार्यालय के सामने शुरू हो गया है। इस बीच बिजली वितरण कंपनी के कार्यपालक अभियंता डोंगरवार प्रदर्शनकारियों को अपना पक्ष रखने के लिए आगे आए हैं। हालांकि अभी तक मामला सुलझ नहीं पाया है। यहाँ के किसानों का ध्यान हटाने पर केंद्रित है। देसाईगंज पुलिस ने सुबह 11 बजे से धरने पर बैठे विधायक गजबे को गिरफ्तार कर लिया है। विधायक गजबे ने परोक्ष चेतावनी देते हुए कहा है कि 7 दिन में समस्या का समाधान नहीं होने पर कार्यालय में ताला लगा दिया जाएगा और समस्त बिजली वितरण के अधिकारी इसके लिए कंपनी जिम्मेदार होगी। भारतीय जनता पार्टी आणि कृषि पंप शेतकरी धारक म्हणजे शेतकरी यांच्या वतीनं म्हणजे आरमोरी वळसा आणि कुरखेळा येथील सर्व कृषिपंपाच्या धारकांसोबत आपण रस्ता रोको ठिय्या आंदोलन या ठिकाणी केला। मागणी होती की शेतकऱ्यांना 24 तास विद्युत पुरवठा करण्यासंदर्भात, कारण 1 तारखेपासून विद्युत वितरण कंपनीने शेतकऱ्यांना 24 तासापैकी 8 तास विद्युत देत होते, त्यांच्या विरोधात आमचा आजचा आंदोलन होता। या आंदोलनामध्ये असं लक्षात आलं की 11:30 वाजेपासून आम्ही रस्ता रोको आंदोलन केला, त्यावेळेला 2 वाजेपर्यंत पॉझिटिव्हपणाने निर्णय येत होते आणि 3 च्या नंतर मात्र राजकीय दबाव या ठिकाणी आणण्यात आला आणि आम्हाला असं आश्वासित केलं की आपण वरिष्ठांसोबत चर्चा चालू आहेत। अहेरी से BCN न्यूज के लिए आसिफ पठान की रिपोर्ट।